दोस्तों के आपका भी सेटअप बॉक्स डेड हो गया, आपके रिपेयरिंग की परेशानी जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मास्टर में आई रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक ये सेटअप बॉक्स है जो नेस्ट कंपनी का सेटअप बॉक्स है। दोस्तों अभी ये बहुत अच्छी तरह ये मार्केट में अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ था, बाकी ये कार्ड ज़्यादा सक्सेस नहीं है, VG777 करके है। और दोस्तों इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि इसमें ट्यूनर स्कैन नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब इसमें चैनल ट्विन नहीं हो रहा। जब भी चैनल ट्विन कर रहा है तो बार बार बोल रहा है कि नॉट फंड ऐसे बता रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ कुछ कॉमन पावर सप्लाईज का चेक करना है, बस आपको बस उतना सप्लाई आप चेक कर लिए, उसके बाद कहीं एक कार्ड में ट्यूनर मतलब जो ट्यूनर सही से काम नहीं किया तो समझ जाओ कि इसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने मीटर लगा लिया है। अब मैं सीधा यहाँ से अपना जो लाइट ऑन करता हूँ तो आपको अच्छी तरह नज़र आएंगे। तो सबसे पहले ये मीटर हमारे यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर नॉट फाउंड का मतलब बार बार नॉट फाउंड का एरर आ रहा है हमारे टीवी में स्कैन करने पे। तो एक सिरा हम यहाँ से ग्राउंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो 12 वोल्ट ओके है। उसके बाद जो ट्यूनर वाले पॉइंट में चेक करो तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1.80 के आसपास वोल्ट आएंगे और यहाँ पर 1.810 के आसपास वोल्ट आएंगे और यहाँ पर 3.3 का वोल्ट है, ठीक है, हमारा सप्लाई ओके। बाकी दोस्तों मेन दिक्कत है जो ट्यूनर वाला सप्लाई है, यहाँ पर देख सकते हो जो ट्यूनर के लिए स्विचिंग जाता है 12 वोल्ट मतलब 13 वोल्ट और 18 वोल्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए, वो सप्लाई यहाँ से इनपुट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर चेक करो कि 12 वोल्ट इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट जो हमारा इनपुट है आ रहा है, बाकी ये आउटपुट नहीं दे रहा, यहाँ पर देख सकते हो। तो दिक्कत ये आता है यहाँ पर जब आउटपुट नहीं देगा तो नॉट फोन का एरर देगा ही देगा, ठीक है, नॉट फोन का एरर आएगी आगे। और आपको कि इसको ये इसका दिक्कत मैं आपको बता दे रहा, दिक्कत कहाँ था, यहाँ पर जो आपका रिग्वेटर आईसी लगा है 8 टांग का, ये रिग्वेटर आईसी डैमेज है, मतलब ये ख़राब है। आपको देखो आपको अदर सेटेलाइट चलाना है तो ये चेंज कर सकते हो, और आपको नहीं चलाना है ओनली एक सेटेलाइट ही चलाना है जो चल रहा है वही, मतलब DD-PD। तो मैंने इसमें वीडियो बहुत बनाया दोस्तों, बाकी एक बार और आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले इसका पावर ऑफ कर लेना है, ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद यहाँ से जहाँ इसमें सप्लाई जाता है ये वाला पॉइंट, यहाँ से आपको 12 वोल्ट में डायरेक्टली आपको जम्पर लगा देना है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आपको 12 वोल्ट में जम्पर लगाना है। दोस्तों लाइट बंद हो गए हैं, तो यहाँ से 12 वोल्ट में डायरेक्टली हम जम्पर लगा लेते हैं। तो वेटिंग, इस कारण से हमारा जो ये फ्लैश लाइट है ये ऑफ हो गया, क्योंकि लाइट बंद हो गई इस कारण से, मैं भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से ये मैंने इसमें सोल्डिंग किया, ये पहले मैं लाइट ऑन करता हूँ इन्वर्टर से लाइट ऑन करते क्योंकि ऑफ हो गया लाइट, ठीक, ये इन्वर्टर से ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली 12 वोल्ट जहाँ पर आपको मिले वहाँ पर इसको सोल्डिंग कर देना है, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर जो 12 वोल्ट मिल रहा है, पर मैं जहाँ पर भी आपका 12 वोल्ट मिल रहा है वहाँ पर सोल्डिंग कर दो आपको, जहाँ पर सोल्यूशन मिले, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा ये काम मान के चलो ओके हो गया। इसमें आपका रिटर्न चैनल मतलब जो आपका DD-PD का चैनल का स्कैन होगा, अदर सेटेलाइट का चैनल स्कैन करोगे, तो मैंने इसमें एक वीडियो और डाला है जो है चैम्पियन 4000 में ओनली 25 चैनल। तो ऐसे टाइप वही चैनल बार बार घूम घूम के वही चैनल आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं ये लाइट ऑफ कर देता हूँ तो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, ठीक है, स्कैन में अब हम आ चुके हैं। यहाँ से मैं स्कैन करके एक बार देखता हूँ कि क्या स्कैन अब होगा चैनल या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से मैं स्कैन में आता हूँ और ये ब्लू बटन प्रेस करता हूँ, ये ब्लू बटन प्रेस किया, ब्लाइंड स्कैन में मैं स्कैन कर देता हूँ। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा दोस्तों क्योंकि मेरा टीवी बेचारा बहुत पुराना हो चुका है, बुढ़ापापन आ गया इसका। तो यहाँ से मैं स्कैन में सिलेक्ट मार दिया हूँ। बाकी ये वाला जो कार्ड है इसमें जब भी मैं टीवी लगाता हूँ बिल्कुल दिखता ही नहीं है, और अदर में लगाता हूँ टीवी बढ़िया अच्छा खासा दिखता है, ये कार्ड में ना ब्राइट बहुत कम है, हो सकता है सेटिंग से ब्राइट कम होगा, बाकी ब्राइट बहुत कम है। तो यहाँ पर देख सकते हो चैनल रिटर्न के लिए गया है, चैनल रिटर्न करने के लिए, और आपको नज़र आओगे यहाँ पर देखो स्कैनिंग हो रहा है। एक बार आपको मैं पावर चेक करा देता हूँ कि ये पावर क्या स्थिति में है। यहाँ पर जब तक आपका पावर नहीं आएगा LMB को पता नहीं चलेगा कि कितना क्या है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों जो वोल्ट है यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है,
हमारा चैनल रिटर्न करेगा यार, यहाँ पर हमारा जो चैनल 100% आएगा, क्योंकि ये दिक्कत कॉमन दिक्कत है दोस्तों, ये अपने घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार और रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये हमारा LMB वाला जो पोर्ट था ये थोड़ा रिमूव हो गया था, इस कारण से चैनल इसके नहीं हुआ, ये वाला जो पोर्ट था, तो हमने फिर से इसको अच्छी से लगा दिया है। और ऐसे करके आप इसको आप रिटर्न कर सकते हो 101%। ठीक है, आपके पास जैसे कोई दिक्कत आए, जो आपका सेटअप बॉक्स में चैनल रिटर्न नहीं हो, चैनल नहीं आ रहा है, तो एक बार पहले आप सेटअप बॉक्स बिल्कुल ऑन है, तो आप सबसे पहले जो LMB आउट है वहाँ पर वोल्ट चेक करके देखो, वहाँ पर वोल्ट आ रहा है तो 100% ओके है, नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि आपका जो यहाँ पर जो EIC लगा है, आपको दिखा देता हूँ लाइट ऑन करके, यहाँ पर जो ये रेगुलेटर IC लगा है, EIC खराब रहता है, इस कारण से ये दिक्कत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिटर्न चैनल रिटर्न हो जाएगा, 100% रिटर्न हो जाए, ऐसे करने से 101% आपका सेटअप बॉक्स में चैनल आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें।